दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले। दोस्तों इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह फास्टैग इंप्लीमेंट हो चुका है और ये काफी अच्छा ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। इससे लोगों का काफी ज्यादा टाइम बचता है। टोल बूथ पर जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और अगर लगती भी है तो वो कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है, और आने वाले कुछ टाइम में जहां जहां फास्टैग मैंडेटरी नहीं है वहां पर भी हो जाएगा। अब दोस्तों फास्टैग को भी लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया है, यानी कि इसमें भी लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। यानी कि ज्यादा करके जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए जो टोल टैक्स फिक्स किया गया है उससे वो लोग काफी कम भर रहे हैं। अब ये लोग फास्टैग आने के बाद भी चोरी कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे पकड़ा जा रहा है और इससे नुकसान किसको हो रहा है, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों फास्टैग को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और उसके हिसाब से हर कैटेगरी के व्हीकल को एक डिफरेंट कलर का फास्टैग दिया जाता है, जिससे फास्टैग का कलर देख के उसकी कैटेगरी आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट मोटर व्हीकल के लिए वायलेट कलर का फास्टैग दिया जाता है, जिसमें कार, जीप, वैन ऐसे व्हीकल आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मिनी बस वगैरह के लिए ऑरेंज कलर का फास्टैग अलॉट किया जाता है, यानी कि जो व्हीकल का वेट 7,500 kg से लेकर 12,000 kg के बीच में आता हो उनके लिए ऑरेंज कलर का फास्टैग दिया जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है व्हीकल के वेट और उसके एक्सल के हिसाब से उनको अलग अलग कलर के फास्टैग दिए जाते हैं, जिसमें सबसे लाइट व्हीकल को वायोलेट, उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू और सबसे हेवी व्हीकल को ब्लैक कलर का फास्टैग दिया जाता है। यहाँ पर जो हल्के व्हीकल होते हैं उनका टैक्स बहुत ही कम होता है, और जो हेवी वेट वाले व्हीकल होते हैं उनका टैक्स सबसे ज्यादा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर चोरी होती है। जो हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स के ओनर होते हैं वो किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके अपने से कम वेट वाले व्हीकल का फास्टैग लेते हैं और उसे अपने हेवी वेट वाले व्हीकल पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत कम टोल टैक्स भरने का आता है। अब दोस्तों मान लीजिए कोई 7XL का ट्रक है जो कि ब्लू कलर के फास्टैग की कैटेगरी में आता है, और वो कोई एक टोल गेट पर जाता है जहां पर उसका एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए 450 rupees, और उसने फास्टैग लगा रखा है मिनी बस या 2XL वाले ट्रक का जो कि एक ग्रीन कलर का फास्टैग है, और उसके हिसाब से उसका अमाउंट होता है 200 rupees, तो वो टोल गेट पर उसका अमाउंट कटेगा 200 rupees, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर उसने 250 rupees की सीधी सीधी चोरी की। अब दोस्तों टोल गेट पर ऑपरेटर तो होता है, पर अगर ऐसा कोई व्हीकल आता है तो उसे तुरंत इस बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है। गाड़ी आकर टोल गेट पर रुकी, वहाँ के RFID सेंसर ने उसे सेंस किया, उसके अकाउंट में से पैसे कटे और टोल गेट ओपन हुआ। ये पूरा का पूरा सिस्टम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक है। तो अब ऐसे व्हीकल्स को पकड़ा कैसे जाए? तो दोस्तों ऐसे व्हीकल्स को पकड़ने के लिए ऑपरेटर को जिन गाड़ियों पर शक गया हो उनके बारे में उनको मैन्युअली चेक करना पड़ता है। उनको कैमरा में गाड़ी की कैटेगरी चेक करनी पड़ती है और उसके सामने जो उनका टैक्स कटा उसे कंपेयर करना पड़ता है, और सिंपली वो लोग उनकी गाड़ी पर जो फास्टैग लगा हुआ होता है उसका कलर देख के भी ये पता कर सकते हैं। पर होता ये है कि ये व्हीकल्स तो निकल चुके होते हैं, यानी कि अब नुकसान की भरपाई करने के लिए ऑपरेटर ऑनलाइन कंप्लेन बुक करता है, जिससे वो कंपनी को टोल अमाउंट के पूरे पैसे मिल जाते हैं, पर इसका जो नुकसान होता है वो पूरा गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस तरीके से लोग गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे व्हीकल्स को रोका कैसे जाए उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी ऐसे व्हीकल्स ध्यान में आ रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट में डाला जा रहा है, और उनके जो फास्टैग है और बैंक अकाउंट है उनको सील किया जा रहा है, और ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जिससे कि ये टैक्स चोरी रुक सके। और इसके बाद ऐसे व्हीकल्स कोई भी टोल गेट पर जाएंगे तो उनको टोल टैक्स के साथ पेनल्टी के तौर पर डबल टोल भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से फास्टैग के आने के बाद भी लोगों ने पैसे बचाने का तरीका ढूंढ लिया है, पर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको रोकने का तरीका भी ढूंढ लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राइविंग अप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।